हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ आपके साथ, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बेसिकली खाने के लिए हो है, आप कह सकते हो कि फूड का रिव्यू दे रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया में कोलकाता राजवाड़ी का खाना, जहाँ जो एक्चुअली फेमस है, अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो उस खाने का टेस्ट और स्वाद लेने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं निकल गया हूँ। तो रास्ते में मुझे स्वामीनारायण का टेम्पल मिला। तो ये स्वामीनारायण का टेम्पल का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये कोलकाता राजवाड़ी, ये बंगाली खाने का फूड है। तो ये कलकत्ता में ही है, जतिन दास स्ट्रीट में है, राजबिहारी के सामने। तो मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो मैं आ गया हूँ लगभग करीब, तो बहुत दिन के बाद ट्राम देखने को मिला दोस्तों, तो कलकत्ता का जो शान है। तो मैं नज़दीक में आ गया हूँ, यहाँ पे करीब में। तो इसका फेमस है दोस्तों, यहाँ पे जो थाली मिलता है वो अच्छा, मतलब बहुत सारे बंगाली डिशेस मिलता है यहाँ पे। मैं आ गया हूँ दोस्तों कोलकाता राजबाड़ी। एक चीज़ है, आप अगर थोड़ा लेट होते हो तो यहाँ पे रजिस्ट्री करना पड़ेगा, मतलब आपका नाम और वेट करना पड़ेगा दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे है, तो थोड़ा वेट करने के बाद अंदर में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला। तो मेरा दोस्त भी पूरा शादी के जोड़े में लग रहा है पूरा एकदम यहाँ पे। और दोस्तों, ऊपर में चलते हैं। ऊपर में बैठक खाना बोल के एक घर है, जहाँ पे बेसिकली आपका खाना परोसा जाता है, वो है। तो यहाँ पे सब कोई बैठ गया है, तो आप देख सकते हो बंगाली स्टाइल में सब कोई बैठा है नीचे ज़मीन पर। और मेन्यू के हिसाब से यहाँ पे सब बंगाली थाली मिलता है, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर एक चीज़ है, वेटिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे मैं देखा हूँ हर कोई वेटिंग कर रहा है, तो मैं मेनू देख के यहाँ का बुकिंग की तरफ चलता हूँ। तो मैं दो थाली ऑर्डर किया हूँ, एक एक्चुअली वेजिटेरियन वेज थाली और एक नॉन वेज थाली। तो मुझे दोनों मिल के मुझे 1049 के करीब मिला था। तो वेलकम ड्रिंक आ चुका है, तो दोस्तों वेलकम ड्रिंक ख़त्म होने तक भी मुझे वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वेटिंग ज़्यादा है। पता नहीं अभी खाने का क्या होगा। तो लगभग खाना आ गया अभी, थोड़ा वेट करने के बाद। तो खाने का एक्चुअली देख के ये शब मुझे अच्छा लग रहा है, मगर टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि क्या है नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इतना सारा कुछ मिलेगा, आप देख सकते हो मैंने के हिसाब से सब दिया है पूरा। इसके बाद हम लोग एक ऑर्डर किए थे एक्स्ट्रा, जो डाब चिंगड़ी, तो अलग से हमने ऑर्डर किया था। तो साइज़ डाब चिंगड़ी का अच्छा ही था, मतलब झींगा मच्छी का साइज़ अच्छा था। मगर ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको दोस्तों, खाने के बाद मुझे थोड़ा ये चिंगड़ी मच्छी अच्छा नहीं लगा, और एक पीस पातूरी वो भी अच्छा नहीं लगा। बाद बाकी सब तो ठीक है, डेजर्ट। तो दोस्तों, ये था पूरा खाने का डिटेल्स। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।